गुजरात में हुई हिंसा से यूपी और बिहार के लोगों का पलायन जारी है। मुजफ्फरपुर में इस हिंसा के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकुर पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में 2 नवंबर को सुनवाई के लिए तारीख तय की है। देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, ठाकुर सेना के अध्यक्ष अल्पेश ठाकुर, इन दोनों पे मैंने मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। वहाँ से जो बिहारियों को भगाया जा रहा है, बिहारियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जैसे लग रहा है बिहारी हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में हो, बिहारी इस भारत के वासी ही ना हो, इस तरह का व्यवहार बिहारियों पे किया जा रहा है, जिससे आहत होकर, मैं खुद एक बिहारी हूँ और मैंने इससे आहत होकर इन दोनों के खिलाफ मुकदमा किया है, क्योंकि दोनों पार्टी के लोग, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, बिहारियों पर वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं और करवा रहे हैं। इसीलिए हमने उस पर कोर्ट में उन पर परिवाद दायर किया और इसकी कोर्ट ने इस परिवाद को एक्सेप्ट किया है, इस मुकदमे को एक्सेप्ट किया है, जिसकी कोर्ट ने तारीख रखी है 2/11/2018 को। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अब देखना होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस मामले में किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।